गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओर की। जो इसका ओर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, होता फेरोक्रोम। ग्रे कलर का ये क्या होता है, कलर इसका क्या होता है, ग्रे होता, आप कह सकते हो डार्क ग्रे कह सकते हैं। फेरोक्रोम कहते हैं, यानी कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो फेरोक्रोम से बनाया जाता है। देखो, इसमें ज्यादातर अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीजें हैं ज्यादा समझाने वाली नहीं होंगी। प्रिपरेशन के केस में यहाँ पर तो चीजें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ेगा चीजों को, मतलब कि ज्यादा चीजों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो। किस तरह से FeOCr2O3, तो इसके जो फर्स्ट स्टेप में दो चीजें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना। पहली चीज क्या होगी, पहली चीज इसमें यह होगी कि इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बना देगा ये 2Fe2O3 और साथ में क्या आएगा 4Cr2O3। पहला जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है इसमें पहली जो चीज क्या होगी, फेरोक्रोम का होगा ऑक्सीडेशन, जहां पर हमें आयरन ऑक्साइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड हमें मिलेगा, क्रोमियम का एनहाइड्राइड हमें मिलेगा। ये क्रोमियम का एनहाइड्राइड या क्रोमियम का जो ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा फर्दर किसके साथ मिलकर के, वॉशिंग सोडा के साथ मिलकर के, और उस मिक्सचर का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा 8CO2। ठीक है, कितने मोल्स बनेंगे इसमें, 8 बनेंगे इसके। तो एक बार देख लेते हैं बैलेंस करके क्या कितने इसमें क्रोमियम है, 8 क्रोमियम है तो यहाँ पर भी 8 क्रोमियम है, यहाँ पर कितने सोडियम है, 16 सोडियम है तो यहाँ पर 16 सोडियम है, कार्बन कितने है वहां पे 8 है तो 8 ही है। एक बार ऑक्सीजन और देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 12 और 24 36 48 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी जब हमने ऑक्सीजन को काउंट किया तो 48 ही। इन दोनों रिएक्शन को एड कर दीजिए, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए और जो राइट हैंड साइड में है उसे राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए। इसका जो कलर है, कलर याद रखना है, येलो कलर रहेगा इसका, और नाम क्या है इसका, सोडियम क्रोमेट। तो अभी हमने प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप किया है, फर्स्ट स्टेप में जो प्रिपेयर हो रहा है वो क्या प्रिपेयर हो रहा है, सोडियम क्रोमेट फ्रॉम फेरोक्रोम।
अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या करना है, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड स्टेप देखिए इसका, स्टेप सेकंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। तो हमें क्या बनाना है, Na2CrO4 है, सोडियम क्रोमेट मैंने आपको लिखवाया था। इसके H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बनाएगा Na2SO4, साथ में क्या बाहर निकलेगा Na2Cr2O7 और साथ में क्या निकलेगा H2। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो क्या दे रखा है, Na2CrO4 दे रखा। तो यहां पर क्या ले सकते हो आप, H2 एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पे कितने सोडियम हो जाएंगे, 8 सोडियम हो गए। क्रोमियम कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पे कह सकते हो आप 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, 8 से 8 सोडियम हो गए। यहाँ पे भी कितने सोडियम हो गए, यहाँ पे भी 8 सोडियम है, यहाँ पे भी 8 सोडियम है, यहाँ पे भी क्रोमियम कितने, 4 है, यहाँ पे भी कितने, 4 है। अब बात करते हैं हम सल्फर की, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, 2H2SO4 ले, तो कितना आएगा इसमें, यहाँ पर SO4 भी कितने हो गए, SO4 भी यहाँ पर हो गए 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 4 4 16, और 16 और 8 24 ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 14, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। हमारे पास क्या आ चुका है, सोडियम डाइक्रोमेट आ चुका है, कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज का। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका कलर भी ऑरेंज ही होता है, और सोडियम डाइक्रोमेट का कलर भी ऑरेंज होता है। इसका एक नेचर आपको याद रखना है, डेली क्वेश्चेंट इन नेचर। अब आप कहेंगे डेली क्वेश्चेंट नेचर मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एयर में से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इसका यूज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं करते हैं, कि वेट पता लगाने के लिए आपने डाइट्रेशन वगैरह पढ़ी होंगी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है, लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सोडियम का डाइक्रोमेट का कैसा नेचर होता है, डेली क्वेश्चन नेचर होता है। क्वेश्चन बहुत बार आ जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस नीट के लिए, और सीबीएसई में भी आ सकता है कि सोडियम डाइक्रोमेट का क्यों यूज नहीं किया जाता, किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, डेली क्वेश्चन नेचर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका डेली क्वेश्चन नेचर नहीं होता। ठीक है, तो आपको देख लेना है, और ये इसका सेकंड स्टेप हुआ है। अब लास्ट स्टेप में क्या बनाएंगे आप, जो हमें बनाना है एक्चुअल में, हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसी के लिए लास्ट स्टेप होगा। स्टेप थर्ड में आप सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बना देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देंगे, सिंपल प्रोसेस है। तो रिएक्शन भी देख लीजिए आप किस तरह से रिएक्शन होगी, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। स्टेप थर्ड की तरफ चलते हैं हम, अगर हम स्टेप थर्ड की बात करते हैं, तो स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट।
सिंपल मेथड है कि सीएल की रिएक्शन करवा देंगे आप किसके साथ, Na2Cr2O7 के साथ, और क्या बना देगा K2Cr2O7 साथ, और क्या बनाने के लिए 2NaCl। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है। और लास्ट में हमें ये बनाना था, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखिए इसे, नेक्स्ट स्टेप है अपने आते हैं इसके, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इट इज एन ऑरेंज कलर, कलर सॉलिड, या आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक्चुअल में क्रिस्टल होते हैं इसके ऑरेंज कलर के, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा उसके बाद, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, तो K2Cr2O7 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनाएगा, K2CrO4 Cr2O3 और साथ में क्या बनाने के लिए H2। तो आप इफेक्ट ऑफ हीट भी देख लीजिए इसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ा है हीट का, ये आप देखिए एक बार, ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, 8 3 11, सॉरी O2 गैस बनने के लिए, तो इफेक्ट ऑफ हीट में अगर आप देखते तो ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है और पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, 14 ऑक्सीजन यहां पे कितनी हो गई, 8 और 3 11, 3/2 O2। तो ये क्या हो चुकी है, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इफेक्ट ऑफ हीट देख लिया, नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसके, कि अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या इफेक्ट पर डलता है, बेस डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे इसकी। एक चीज और याद रखनी है आपको इसकी, मैं नेक्स्ट अभी लिखवा भी दूंगा आपको, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसका, ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, इससे बहुत सारी रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो क्या होगा, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कैसा होगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज करते हैं। अब हम पीएच की बात कर रहा था मैं आपसे, मैं कह रहा था अगर मैं इसे आयनिक फॉर्म में लेता हूँ, Cr2O7 2- रहेगा इसकी आयनिक फॉर्म, भाई अगर हम इसे वाटर के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो ये आयन से ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके साथ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2K+ और साथ में क्या बनने के लिए Cr2O7 2-, तो आयनिक फॉर्म का भी आपको याद रखना है। अगर आप इसके अंदर बेस डालते हैं याद रखना, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होगा, क्या बना देगा ये Cr4 2-, और साथ में क्या बनने के लिए H2O, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर, यानी कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में बेस डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, डाइक्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में चेंज हो जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे, डाइक्रोमेट किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में चेंज हो जाएगा।
एक और रिएक्शन आप याद कर सकते हैं CrO4 नेगेटिव, क्या डालेंगे आप इसमें एच पॉजिटिव अगर डालते हैं तो एच पॉजिटिव, और देखना हमने क्या लिया है क्रोमेट लिया है, एच पॉजिटिव अगर आप इसमें लेते हैं तो क्या बना देगा Cr272 नेगेटिव और साथ में क्या आ जाएगा H2O। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि अगर आप बेस डालेंगे क्रोमेट में तो किसमें चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, और अगर हम डाइक्रोमेट में बेस सॉरी अगर आप क्रोमेट में एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, अगर हम बेस डालते हैं डाइक्रोमेट के अंदर तो किसमें चेंज हो जाता है क्रोमेट में चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं बेस और एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। तो रिएक्शन मैंने आपको लिखवा दिया, अगर आप एसिड डालेंगे तो क्या होगा बेस डालेंगे तो क्या होगा। अब हम नेक्स्ट चीज में इसमें बहुत ही हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि उन चीजों को आपको समझाने की बहुत ही जब तक जो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन जो है इसमें से कुछ पार्ट आपका CBSE से हटा दिया गया है। पहले इस वाले टॉपिक से एक पोटेशियम डाइक्रोमेट था और एक पोटेशियम परमैंगनेट था, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते थे, 99% चांस होते थे कि इनसे क्वेश्चन आता ही आता था, लेकिन क्योंकि इसका कुछ पोर्शन हटा दिया गया है DRF ब्लॉक का, DRF ब्लॉक का ही एक पार्ट है, तो क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन हटा दिया गया है तो इसलिए इस बार इसमें से क्वेश्चन आने कम चांस है, लेकिन नीट और मेंस के लिए अभी चांस इसमें से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कि इसकी अगर हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तब क्या होगा, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन के लिए नेक्स्ट रिएक्शन इसमें लिखता हूं। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाए गए K2Cr27 किस रिएक्शन करवाई आपने H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाता है CrO3 और साथ में क्या आएगा KHSO4 और साथ में आएगा O। तो हमें इसे बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पे क्या आ जाएगा 2KHSO4 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 2CrO3। अब बात आती है ऑक्सीजन की, पहले देख लेते हैं वहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, सल्फेट SO4 भी कितने हो गए 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गया, क्रोमियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं कितने 7 और 4 11, यहां पे कितने 6 यहां पे 2 लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसे एक बार फिर से देखिए। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितनी है 2 क्रोमियम दे रखे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पहले तो इसे करना पड़ेगा 2। फिर इसे क्या कर दिया आपने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा क्रोमियम, क्रोमियम कितनी आएंगी यहाँ पे 4 आएंगे, तो देखिए यहां पर कितने पोटेशियम हो गए, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 4। और एक बार बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन कितनी हो गई 14 और 822 ऑक्सीजन हो गई, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रही है ज्यादा हो रही है, कितनी हो जाएंगी क्रोमियम देख लेते हैं एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या देखा आपने यहाँ पे क्या दे रखा K2Cr27 दे रखा, कितने ऑक्सीजन दे रखी है यहाँ पे 7 आपको ऑक्सीजन दी हुई है, वहां पे कितने पोटेशियम दे रखे हैं यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2 लिख दोगे, तो पोटेशियम भी क्या हो गए हैं बैलेंस हो गए हैं 2 ही पोटेशियम यहाँ पे 2 ही पोटेशियम यहाँ पे, सल्फेट भी कितनी हुई है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, तो एक H2O का मॉलिक्यूल और निकाल देते हैं सबसे। अब देखिए कि यहां पर कितनी ऑक्सीजन है 7 और ये कितनी होगी 15 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखनी पड़ेगी यहां पे 3 और 8 11 कितने हो गए 8 और 3 11 11 और 2 कितने हो गए 13 और 2 15,
दोनों साइड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। लिखो इसे, H2O लिख लीजिए, O2 नहीं लिख लिया। तो कितने हो गए, 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। यहां पे कितने हो गए, 8 और 3 11, और हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। यहां पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन है। वहां पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, क्रोमियम दिक्कत आ रही है देखो, 6। अब बैलेंस है, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट आते हैं हम किसके साथ, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो K2Cr2O7 किसके साथ रिएक्शन करवानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या बनाएगा, K2SO4 साथ में क्या आएगा, Cr2SO4 की थ्राइस, साथ में क्या बाहर निकलेगा, O2। और भी चीजें बाहर निकलेंगी, क्या बाहर निकलेगा, H2। तो बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, तो यहां पे ले लिया आपने 7, यहां पे क्या ले लेना, 7 आ जाए। उसके बाद देखिए यहां पर कितने पोटेशियम है, 2 है। वहां पर पोटेशियम कितने, 2 है। सल्फेट कितने हो गए, यहां पे ज्यादा सल्फेट हो गए हैं। वहां पर कितने सल्फेट, 3 और 1 4 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देते, 2 से। तो यहां पे कितने क्रोमियम हो गए, 2 हो गए। यहां पे कितने क्रोमियम हो गए, 4 क्रोमियम हो गए। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 2 से कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर दो, 2 से कर दो। तो पोटेशियम कितने हो गए, सल्फेट कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2K2Cr2O7 इसे 8 कर दो। अब देखिए ज्यादा मेरे हिसाब से बैलेंस हो गई होगी, एक बार देख लेते हैं कितने। यहाँ पे पोटेशियम 4, यहाँ पे कितने हो गए पोटेशियम 4, यहाँ पे कितने क्रोमियम है 4, यहाँ पे कितने क्रोमियम है 4, यहाँ पर कितने सल्फेट है 8 सल्फेट है, यहाँ पे कितने हो गए 8 सल्फेट हो गए। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, कितने हो गए 46 ऑक्सीजन है इधर की साइड, इधर की साइड कितने ऑक्सीजन 8 और 24 32। यहां पर ऑक्सीजन क्या दे रखी है आपको, ज्यादा दे रखे हैं। तो यहां पे कितना ऑक्सीजन है 8, 4, 32 और 46 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 24, तो यहां पे हो गए 32, 43। ये क्या हो गई, अब बैलेंस रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसमें एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रेड कलर का सॉलिड होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑरेंज कलर के सॉलिड से किसमें चेंज हो जाता है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हैं रेड कलर के सॉलिड में चेंज हो जाता है। यहां से तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, येलो कलर का सॉलिड ही बनेगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अगर आपको आयनिक रिएक्शन दे रखी है, आयनिक रिएक्शन ऑफ आयनिक रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 इन कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने बताया था आयनिक रिएक्शन कैसे बनाने, आपको याद रखना कि मैट्रिक बता रहा हूं साथ साथ, Cr2O7 नेगेटिव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसमें चेंज हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव, Cr2O7 नेगेटिव, इसमें चेंज हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव। यहां पर कितने क्रोमियम है 2, यहां पर कितने हो जाने चाहिए 2 हो जाने चाहिए। फिर आप देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी 2x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 और 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एक क्रोमियम के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या आ रही पॉजिटिव 6, दो के लिए कितनी आएगी 2 के लिए 12, एक के लिए 3 आ रही है तो 2 के लिए क्या आ जाएगी 6। कितने का रिडक्शन हो रहा है, 6 का इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर कितना ऑक्सीजन है 7, यहां पर कितना ऑक्सीजन आ जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप याद हो उसको क्या ऐड करते हैं वाटर, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रत्यक्ष रिएक्शन हो रही है तो मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आती होगी। यहां पर कितने हाइड्रोजन है 14, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कितने ऐड कर देंगे आप 14H पॉजिटिव। अब कितने का रिडक्शन हो रहा है 6 का,
तो सिक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो जाएंगे, अगर रिडक्शन होता है तो कहाँ ऐड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इसकी आयनिक इक्वेशन आएगी, इस आयनिक इक्वेशन को आप रट लीजिए, बहुत ज्यादा हमारे काम में आने वाली है। तो इस रिएक्शन को अगर आप पढ़ेंगे, Cr272 नेगेटिव 14H पॉजिटिव, सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, 2Cr3 पॉजिटिव 7H2O। तो इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए। अब देखिए कुछ और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। याद रखना है आपको, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आई नेगेटिव रिएक्ट करता है तो इसमें चेंज हो जाता, आई टू में चेंज हो जाता, कितने का ऑक्सीडेशन होगा, टू का, तो टू इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख लीजिए। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, H2S की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बना देता है, 2H पॉजिटिव, साथ में क्या बनेगा, एस। यहां पर अगर आप, आपको वैसे पता नहीं चला तो मैं इसमें वैसे बता सकता हूं कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, -1 चार्ज है, दो के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा, -2 से किसमें जा रहा है, जीरो में, कितने का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -2 से जीरो में जा रहा है तो 2 का हो रहा है, तो 2 लिख दिया मैंने, H2S दे रखा है। अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसकी ओरिजिनल स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव 1, नॉन मेटल के साथ। जब एक हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 है, दो भी कितने होंगे, पॉजिटिव 2, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ गई। यहां पर अगर आप निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, इसकी तो निकालनी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 ही है हाइड्रोजन की, यहाँ पे पॉजिटिव 2, सल्फर कितने रहेगी, 0। तो पॉजिटिव -2 से किसमें जा रहा है, 0 में, कितने का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2। और रिएक्शन लिख सकते हैं आप, NO3 नेगेटिव से किसमें चला जाएगा, NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, नाइट्रोजन कितनी आएगी, पॉजिटिव 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी आएगी, पॉजिटिव 5, कितने का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 का। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितने हो, देखो और ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑक्सीजन 3 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, कितना ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे कितने, 3। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल, जहां पे ऑक्सीजन कम होते वहां क्या ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो आप क्या ऐड कर देंगे, 2H पॉजिटिव, ठीक है। अब आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है इसमें। आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसमें कई रिएक्शंस हमें पढ़नी है, मैं सभी रिएक्शन आपको बता रहा हूं। SN2 पॉजिटिव किसमें चेंज कर देता है, SN4 में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, 2। और देखिए SO2 किसमें चेंज कर देता है, SO4 2 नेगेटिव में, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे 4, यहाँ पे कितनी आएगी, 6, कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे कितने, 4। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे आपको 2H2O, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4H पॉजिटिव, कितने का ऑक्सीजन हो रहा है, 4 से 6 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो थोड़ी फास्ट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी रिएक्शन है इसमें, Fe2 पॉजिटिव से किसमें चला जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में, कितने का ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 का। तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको किसमें करवाऊंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उसमें भी करवा दूंगा। तो ये तो कुछ रिएक्शंस थी जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी तो वो समझिए, मैं 2-3 रिएक्शन आपको बैलेंस करके सिखा रहा हूँ, बैलेंस करूंगी, बाकी आपको खुद ही बैलेंस करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन आती थी पहले तो, और इस बार शायद सिलेबस थोड़ा कम हो गया तो सीबीएसई लेवल पे तो शायद ना आए, लेकिन फ्यूचर में तो आ सकती। तो अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो क्या दे रखा है, Cr272 नेगेटिव, आपने भी पढ़ा था 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr3 पॉजिटिव, साथ में क्या रहा था, 7H2। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सीबीएसई के अंदर मैं बात करूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आता था, मैं बता देता हूं, ऐसे लिखा होता था Cr27, यहाँ पे क्या दे रखा होता था, H2S, यहाँ पे H पॉजिटिव, रिएक्शन क्या करके दिखाओ, कंप्लीट करके दिखाओ। लेकिन मैं रिएक्शन तो आपको थोड़ी ढंग से सिखानी पड़ेगी, तो मैं वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा था, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा था। तो इससे पता चल रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2S के साथ। तो आपको पहले क्या करना है, इस तरह से रिएक्शन लिखनी है जो आपने लिख दी है। अब इस रिएक्शन में कहाँ जाना है आपको, डिटेल में जाना, डिटेल में कैसे जाओगे वो समझो, क्या लिखोगे आप, H2S लिखोगे,
एच टू एस किसमें जाएगा? मैंने आपको पहले लिखवा रखा टू एच पॉजिटिव और एस। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? सिक्स। और मैंने आपको लिखवा यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते? तो आपको याद हो तो बैलेंसिंग में जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? यहां पे ऐड होने चाहिए। यहां पर सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं लेकिन निकल कितने रहे हैं? टू। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी? थ्री से। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं, तो यहां तक आप नोट डाउन कर ले जो चीज आप समझ में आ गई है। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिक्स इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? थ्री। यहाँ पे कितना आएगा? सिक्स। और यहाँ पे भी कितना आएगा? थ्री। तो आपने क्या किया है, अब ये तो आपने पढ़ रखा हो, जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, जो राइट हैंड साइड उसे कहां ऐड कर देंगे? राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? सी आर 272 नेगेटिव, 14H पॉजिटिव, 3H2S। फिर क्या आएगा? 2Cr3 पॉजिटिव, 7H2O, साथ में क्या आएगा? 6H पॉजिटिव, साथ में क्या आएगा? 3S। आप चाहे तो यहां से हाइड्रोजन भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। यहां पे कितने हाइड्रोजन? 6H पॉजिटिव। यहां पे कितने? 14H पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अगर यहां पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 8H पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते तो उसे सिर्फ 14H पॉजिटिव से अब आप 8H पॉजिटिव लिख दीजिए और इसे क्या कर देना? अलग कर देना। और क्या ले सकते हो आप? Cr272 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव, 3H2S, साथ में क्या आएगा? 2Cr3 पॉजिटिव, 7H2O और H पॉजिटिव 6H पॉजिटिव यहां से हटी जाएंगे। भाई यहां पे 14 थे ये माइनस हो जाएंगे, क्या रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि हमने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है गलत किया है। तो देखने का सिंपल तरीका है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है लेकिन आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो दोनों साइड के चार्ज बैलेंस कर दीजिए। अगर दोनों साइड के जो चार्ज वो सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन जो क्या है जो रिएक्शन वो बैलेंस हो चुकी है। यहां पर कितने आए? वो है 2 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव। तो कितने चार्ज है यहाँ पे? यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव, तो कितना चार्ज रहेगा? 6 पॉजिटिव चार्ज है इधर की साइड। इधर की साइड अगर आप देखेंगे 2, 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो इधर की साइड कितना चार्ज था? 6 पॉजिटिव चार्ज था। इधर की साइड में कितना पॉजिटिव चार्ज था? 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो दो रिएक्शन आपको दे रखी वो बैलेंस। तो इसे लिखी फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें इस रिएक्शन में आपने क्या किया था? पहली जो इक्वेशन थी उसे लिखा, इस वाले इस वाले इक्वेशन को लिखा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे थे? 2। मैंने फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें दोनों साइड इलेक्ट्रॉन क्या करने थे? सेम करने थे, 6 करने थे, वो हमने कर दिए। जो लेफ्ट हैंड साइड उसे लेफ्ट हैंड साइड में एड कर दिया, जो राइट हैंड साइड उसे राइट हैंड साइड में एड कर दिया। आगे देखिए इसमें एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको। इसे भी रखा Cr272 नेगेटिव, यहां पे क्या दिया हुआ है? आप जानते 14H पॉजिटिव आता है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये किसको चेंज हो जाएगा? 2Cr3 पॉजिटिव, साथ में क्या आ जाएगा? 7H2O। ठीक है जी। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए किसके साथ, मान के चलिए I नेगेटिव, 2I नेगेटिव, आप जानते हैं कि सब चेंज होता है I2। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसके अंदर से? 2। फिर वही केस आ गया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? मतलब ऐड हो रहे हैं 6। तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से ऐड कर देंगे। और मैंने जो चेंज किया उसे याद रखें, कहीं आप सोचे सर 3 से मल्टीप्लाई तो आपने किया ही नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, जो राइट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। बाकी जो रिएक्शंस थी, कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई है, जैसे कि आयरन के साथ Fe2 पॉजिटिव के साथ कर सकते हो, NO2 नेगेटिव के साथ कर सकते हो, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, घर पर ट्राई कर सकते हैं। SN2 पॉजिटिव के साथ बताई थी, अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिएक्शन विद H2O2। तो H2O2 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं इसकी तो क्या बनेगी?
Cr272 नेगेटिव के अगर हम H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं और मीडियम कैसा लेते हैं एसिडिक, तो ये Cr4 बना देता है। इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। साथ में क्या बाहर निकलेगा, 5H2। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है Cr5 के अंदर, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए तभी आप, क्योंकि इसमें क्या होती है पर ऑक्साइड लेती है। इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपके सामने Cr5 का, और आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली -1 -1 -1 -1 -2, तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो पॉजिटिव 6 आती है। अगर आप वैसे निकालने के लिए बैठेंगे तो 10 आएगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव 6 होती है, जो आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। और इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, Cr5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, डीप ब्लू कलर आता है इसका जब हम सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, किसके पर ऑक्साइड के, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर ऑफ Cr4-2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, क्रोमेट आप जानते हैं, क्रोमेट आयन है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, टेट्राहेड्रल शेप होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी आती है, Sd3 याद रखें आप। अगर हम K2Cr27 की शेप बनाते हैं तो K2Cr27 कैसी आएगी, Cr272 नेगेटिव की अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसी आएगी, Cr2 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ज्यादातर तो डाइक्रोमेट आयन की पूछते हैं, पोटेशियम वाले की नहीं पूछते। अगर आपसे कहा जाए पोटेशियम कहां आएगा तो लिख लिया होगा आपने, इस तरह से इसकी शेप आएगी, 7 ऑप्शन है। और आप पूछ जाए पोटेशियम कहां लगेगा तो K पॉजिटिव में आ जाएगा। इस पोटेशियम की पूछते हैं तो K पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन दोनों की नोट डाउन कर लीजिए शेप वगैरह, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट। लिखिए इसे जल्दी। क्वेश्चन और भी आता है इससे, इसका यूज किया जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में। क्रोमिल क्लोराइड एक गैस होती है, CrO2Cl कहते हैं इसको। इसकी रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं। किसमें यूज किया जाता है इसका, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप पता लगाना है कि कहीं KCl है, NaCl है, CHCl है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं किसका, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमें क्रोमिल क्लोराइड गैस मिलती है जिसका रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं। अब रिएक्शन होगी क्या,
इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का बहुत अच्छा यूज होता है, हम डाइल्यूट जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसकी रिएक्शन करवाएंगे कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाते तो क्या होगा देखिए, तो क्रोमिल क्लोराइड किसके लिए यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन, रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं इसमें क्रोमिल क्लोराइड की, किस तरह से बनेंगे वो देखिए। एक बार सबसे पहले हम क्या लेते हैं K2Cr27 को कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 के अंदर डालते हैं, जो रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बनेगा इसमें 2CrO3, साथ में क्या आएगा, एक मैंने बताया था KHSO4 और साथ में क्या आ रहा था H2, बैलेंस कर लीजिए एक बार, यहां पे क्या आ जाएगा 2KHSO4, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल सही है, ये क्या हो चुकी रिएक्शन बैलेंस। अब आप क्या करेंगे इसी सॉल्यूशन के अंदर KCl डालेंगे, क्या डालेंगे आप इसके अंदर KCl, तो KCl जब हम डालते हैं इसके अंदर साथ में क्या डाल रहे हैं H2SO4 डाल रहे हैं, तो ये क्या बना देगा KHSO4 और यहां पर क्या ले लिया आपने HCl बनेगा 4HCl, तो यहां पर क्या बन जाएगा 4KHSO। अब क्या होगा कि जो इसके अंदर से HCl बनी है इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे आप CrO3 के साथ, क्या बना देंगे CrO2Cl2, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो चुके हैं इसके, ऑक्सीजन की बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 6 है, तो क्या बाहर निकल जाएगा 2H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है इसकी किस तरह से, पहले आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाइल्यूट और क्या कह सकते हो कोल्ड H2SO4 के अंदर डालते हैं, जहां से हमारे पास ये CrO3 गैस निकलती है जिसको, और KHSO4 बनेगा, फिर क्या बनेगा जो क्लोराइड आयन है उसके अंदर ही आपने डाल दिया, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी KHSO4 बनेगा HCl निकलेगा, HCl और CrO3 क्या करते रिएक्शन करते हैं और हमारे पास रेड ब्राउन वेपर्स आते हैं, अगर रेड ब्राउन वेपर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है क्लोराइड आयन है, तो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए क्या बनेगा K2Cr27, फिर क्या आएगा 4KCl 4H2SO4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचा है इसमें 6KHSO4 2CrO2Cl2 2CrO2Cl2 साथ में क्या आएगा 3H2, रिएक्शन क्या होगी बैलेंस करने के बाद। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए फिर मैं एक्सेप्शन को बता रहा हूं। तो इसके एक्सेप्शनल केस देखिए, ये लिख लीजिए आप, एक्सेप्शनल केस, तो क्लोराइड्स ऑफ SN, AG, HG कांट गिव दिस टेस्ट ड्यू टू द कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर होने के बाद टिन सिल्वर HG की क्लोराइड्स रिएक्शन को, लेड की क्लोराइड्स रिएक्शन को नहीं देते हैं क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है कोवलेंट नेचर होता है, तो आप बेशक से उनकी क्लोराइड आपको दे रखते हो लेकिन फिर भी वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बस इसका एक लास्ट जो पॉइंट आपको बता रहा था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में Na2Cr27 का यूज नहीं करते, K2Cr27 का यूज करते हैं क्योंकि वो डेलिक्विशेंट होता है Na2Cr27। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये आपसे तब पूछा जा सकता है जब आप टेस्ट देंगे, क्या पूछा जा सकता है एक्चुअल में कि जब हम एसिडिक मीडियम बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, HCl का यूज क्यों नहीं करते, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप HCl डालेंगे तो HCl डालने से क्या नुकसान है, HCl डालने से क्या होता है,
इसमें से क्या निकलेगी, Cl2 गैस बाहर निकलती। पहले देख लेते हैं बैलेंस हो गया नहीं होगा, कितने है यहां पर, 2 और 6 कितने होंगे, 8। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है, यानी कि अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में उसे एसिडिक बनाने के लिए HCl डालते हैं तो वो क्या करता है, जो क्लोरीन गैस है उसे किसमें, मतलब HCl को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर हम क्या यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं, तो H2SO4 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी कितनी है, 6 है। 6 से ज्यादा तो आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ना सल्फर को, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सल्फर की 6 होती है। तो वहां पे हमें क्या फायदा हो जाता है कि वहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो एक तरह से क्या होगी हमारे लिए, तो फायदेमंद हो गई ना। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम HCl का यूज नहीं करते, क्योंकि HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, Cl2 में, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सल्फर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्योंकि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलरेडी 6 होती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने आपको बता दिया है, जो भी क्वेश्चन इससे आते हैं तो इसको स्टूडेंट वॉच कीजिए और अपनी नोटबुक में से नोट्स कीजिए, नोट कर लीजिए। और बाकी जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं या मैं आपको बता दूंगा भी, ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा इसके बेसिस पर।